इम्मे नाजिल ऐ कुरान बख्शिश जो मिलियो सामान, इम्मे नाजिल ऐ कुरान बख्शिश जो मिलियो सामान। रब जी ने मन आए रमजान, रब जी ने मन आए रमजान, रब जी ने मन आए रमजान।
माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। गाली जाए कि करम जड़े थे तो वाकई हालात बदली उन्हें था ने करम लेके ने अल्लाह ताला से इस्तगफार करो, अल्लाह ताला से तौबा करो, दुरूद पाक जा गुलदस्ता पेश करो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जी बारगाह में, तो फिर तो बची करम खुले नहीं थी ने हालात क्यों तब्दील नहीं थी। 5-7 दानिश ने हुस्बान तालु मौजूद हैं। आगे खुश आमदेद के साथ साथ पेरो से अर्जी है गई बता रो कि माशाल्लाह बिल्डर भी हो पची रियल इस्टेट सेक्टर के भी नारो दी ने जलावा जूनागढ़ धोरा जी जमात जेल में फर्स्ट जॉइंट सेक्रेटरी भी हो, हाउसिंग कमेटी, बिजनेस लोन ज़कात कमेटी के हवाले से भी हो, पची भा जो है कंस्ट्रक्शन भी नारन था ने स्कूल करार के अलावा ये सही गाल बराबर है ईज है मुझी गलती इतने कोई भी नहीं बिल्कुल सही तो ये बदले चीज़ नारो था। तो थोड़ा सा पुते आगाज से बता रहा हूँ स्कूल लाइफ से जरिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आवा तो किन तरीके से मैदान में कदम रखिया पहला फर्स्ट फील्ड लाइन की भी घना जना रहो तो स्कूल लाइफ से जमात के अंदर इंटर थी उन्होंने वॉलंटरली कम करन था पची अगर बदन था घना हूँ कि बिजनेस में हूँ पची इन तरीके से की नारो था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बदले से पहले तो
अनीस भाई बहुत शुक्रिया हैं जो ने मेमन टीवी जो ने अली गोडल जो के जो है वो ऐसा के वेलकम करिया ने अलहमदुल्ला बरकाया। अच्छा आई पूछिए कि जो है ना वो स्टार्ट स्कूल से जाहिर है बता रहा था इतने हने खैरू काफ़ी अरसों तक लेकिन जो है स्कूल लाइफ को मामलो भूली न तो सके तो हाँ स्कूल बिल्कुल को ना तो भूली कॉलेज सके थोड़ो सो मिस्ती सके थी बिल्कुल यूनिवर्सिटी जी यादू मिस्ती सके थी स्कूल याद तो बिल्कुल एड़ो सदा जाए बाद बस ही इनके बहुत मुख्तसर तरीके से ही बता रहा हूँ कि अलहमदुल्ला स्कूल लाइफ के बाद जो है वो असा जो जो बदे से पहले कम वो जो है पांजे कुछ था कपड़े जो वो पांजे होलसेल जो कम वो मुझे फादर जो कम वो था स्कूल लाइफ के बाद बदे से पहले जाहिर है वो पोते जी एजुकेशन कंप्लीट करी ने उनके ज्वाइन करिया साथ साथ में मुझे फादर जो है वो रियल इस्टेट जो सेक्टर के भी नाड़ना हुआ कंस्ट्रक्शन के भी नाड़ना हुआ पछे असा कंप्लीटली जो है वो जाहिर है कंस्ट्रक्शन जे फील्ड में अचीव यस प्रॉपर तरीके वालिद जी से वैसे जाए वो जो बिल्कुल बिल्कुल एड़ हो ठीक जाए है ने जो असा जो अल रियाज ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तो ये भी मुझे फादर जे नाम से जी फरम आए अलहमदुल्ला ने जाहिर वो तालु असा जी कास्ट है तो उनके साथ लगे तो ने भी जो है पछे पूछा कि वो क्या जमात की जमात जे तरफ हवाले आए से तो थोड़ा जमात सा आए जे इनके हवाले से भी बता दिया तालु सर के जमात के हवाले से इंटर की थी ये भी बता देना प्लस इनके भी शामिल करो कि धोराजी जमात तो नाम अकरवाए जमात माने थे ने जूनागढ़ जो भी पा नाम अलग से सुनिए वो भी बहुत बड़ा नाम है जूनागढ़ भी एक कम्युनिटी है हाँ फर्स्ट टाइम इनके मिजी मिजी दानिश में फर्स्ट टाइम सुनी ने कि जूनागढ़ ने धोराजी इनजो भी थोड़ा सा बता दिया कि जमात में थोड़ा सा जो है ना वो एक्टिव थीन के हवाले से ही स्टार्ट थियो कि जड़े असा तालु एसोसिएट्स पोते जी शुरू करियास ता जाहिर वो असा जे पेरेंट्स के अल्लाह ताला सहज जिंदगी दी आमीन सुमा आमीन लाहुमा आमीन तो वो जो है ना फादर जो असा जो है ना बस हमेशा से थोड़ा सा चैरिटी वालों मामलो उन्हों वो अच्छा हाँ ने मतलब ये है कि खानदान में भी अगर कोई जो कम अशनू है तो बदे से आगे आ गया ऊना माशाल्लाह ने बचपन से असा जी भी तरबियत थी हुई कि चाहे कोई जेडा कोई भी कम हो कि शादी हो बो कोई कम हो कोई ओकेजन हो तो वैसा कि हर चीज़ में अज्ञाज रखना है वो वॉलंटरी के मतलब आई कोई जो कम करी डियो कोई जो साथ लगी भी न हो तो वधारे सा बताइए शुरू से तो करिश बस वो थोड़ा सा अकड़ो ई वारी थोड़ी सी सीख भी तो जाहिर है पछे वो अगर सीख हुई थी इन तरीके जी तब आई पहले तकड़ी लिमिट हुई थी कि अरोस पड़ोस जो कम अचीव नो मगर जस्तु जो भी वो था तो नियर पछे बाय जितना हो तो अंगे हाँ नाड़ो तो ना पछे वो जमात में आखिरी दफ़ा कोई कम जे हवाले से विनू थियो वो तो उड़ा से अच्छा वो प्रपोजल दीनिया के यार आई जमात के ज्वाइन करो इले के हाउसिंग कमेटी में ले प्रपोजल दीनिया के पाजी जी कंस्ट्रक्शन की हाँ वजह से ठीक है कंस्ट्रक्शन के हवाले से पाँच तालु सुसीट बीबी के हवाले से जो कम काज के हवाले से पछे जक़ात कमेटी में भी इन्वाइट करिया गया है जक़ात कमेटी भी ज्वाइन करो पछे माशाल्लाह पाँच जूनागढ़ धोराजी जमात है किन जगह बिजनेस से जमात मौजूद है ये भी ये पाँच मेन धोराजी में मौजूद है अच्छा पाँच ने धोराजी वो में जो धोराजी जमात है इनसे ही अलग जमात है या धोराजी अलग जमात बेसिकली अलग है ने है जूनागढ़ धोराजी जमात अलग है अच्छा मगर आए उड़ा अगर इंडिया से आए वासे से किनारो तो वो ही नियरेस्ट है जैन वो लेके नियर ठीक है जाहिर तकरीबन जितना भी एरिया इन इंडिया जा जाइन जितनी भी जमात हुई बदे इंडिया जी हुई तो जूनागढ़ धोराजी कुतिया नहीं बदे अखड़ीच सराउंडिंग में ही मतलब थोड़े मतलब थोड़े इंडिया से तकरीबन बिल्कुल एड़ हो माइग्रेट जाए थी ने मेमन कम्युनिटी जितनी भी आई है वो तो बाहर से माइग्रेट करने आई है कुर्बानी जीने आई है जडे अलग ये अलग आवी भी जमाती रहते हैं जब वो 3 वर बाद जूनागढ़ जमात जी एसोसिएशन अलहमदुल्ला बनी ठीक है पाँच सात दानिश तालु ने उस्मान तालु मौजूद है ने अकरो जो इन्हें जो सब्जेक्ट है वो है केदारा इंटरनेशनल स्कूल स्पेशल बच्चे के हवाले से बहुत ज़रूरत है क्योंकि स्पेशल बच्चे के हवाले से कम करें जी तो थोड़ा सो इन हवाले से भी पा वक्फे तो होते हैं वक्फे से जब वापिस अच्छा है तो पा उस्बान से गाल करना है कि एक स्पेशल बच्चे हवाले से करो काम कर रही है ने करो रुकावट अची रही को प्रॉब्लम फेस करी रही है ने स्पेशल बच्चे की तादाद दी पेटी वधी रही है ने कि कॉजेज वगैरह या मथे को कम थी रही है हवाले से पा गाल करना है मुख्तसर से वक्फा करूँ तो वक्फे बाद हाजिर दूंगा इम्मे नाज़िल आए कुरान बख्शिश जो मेरी यो सामान इम्मे नाज़िल आए कुरान बख्शिश जो मेरी यो सामान रब जी ने मन आए रमजान रब जी ने मन आए रमजान रब जी ने मन आए रमजान
इस बेहतरीन लोकेशन पर आपके लिए अपना घर बनाना अब ख्वाब नहीं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का मंजूर शुदा बा एतमाद और सबसे बड़ा नाम YS Associates आपको दे रहा है शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट, 3 और 4 बेड्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट के चारों अतराफ कम्युनिटी सर्विसेज पहले से मौजूद, बहरिया टाउन कराची क्लब, डे एंड नाइट जू, मस्जिद, राइमा डांसिंग फाउंटेन, मयारी कंस्ट्रक्शन और बरवक्त मंसूबे की तकमील हमारी तरजीह है। YS Associates, घर का सुकून, दिल का सुकून। इम्में नाजिल ऐ कुरान बख्शिश जो मिलियो सामान, इम्में नाजिल ऐ कुरान बख्शिश जो मिलियो सामान, रब जी ने मन आए रमजान, रब जी ने मन आए रमजान, रब जी ने मन आए रमजान। वेलकम बैक नाजिन, पाँच साथ मौजूद हैं डायरेक्टर अल रियाज ग्रुप ऑफ कंपनी जो रिप्रेजेंट करन था अल रियाज बिल्डर ने तालू एसोसिएट्स के दानिश तालू ने हुस्बान तालू जो साथ पाँच साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली सोहरवर्दी पाँच साथ मौजूद हैं। तो जब आप वक्फे से भी आवा तो थोड़ा सो कलारा इंटरनेशनल स्कूल के हवाले से ही जो स्पेशल चाइल्ड के हवाले से भी गुफ्तगु थी, लेकिन जो हुस्बान भाई हैं इन्हें जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, इन हवाले से एक रो शेयर करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह असा तकरीबन 14-15 वर्ष से मार्केट में कम करी रहे हैं, ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 से 13 प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करी चुके हैं, ने अगिया तकरीबन 3 से 4 प्रोजेक्ट लाइन में ही जो कि स्कीम 33 में भी आए, बहरिया टाउन में भी आए। तो अल्लाह जो शुक्र है कंस्ट्रक्शन में अल्लाह पाक सारो कम पांजो कराई दी। मेजर रांजो कम के इलाके में मेजर कम जो एरिया में है या बहरिया में मेजर कम जो वैसे तासा जो मेजर कम जो वो ओल्ड सिटी में, वो ओल्ड सिटी से मुराद बादराबाद PCHS तारिक रोड एडा वो, लेकिन घनी कंस्ट्रक्शन जी फील्ड में जो प्रॉब्लम्स अची हुई इन कन्वर्टेड प्लॉट जो मामला अची हुई तो इन जे बात पछे बदे बहरिया या स्कीम 33 में मूव थी गए कम करन ले बिल्कुल तो हणे उडा कम करी रहे तो अलहमदिल्ला हाँ स्कीम 33 में भी अकड़ प्रोजेक्ट गिनी ने अची रही अबराजुल मिनाल के नाम से, अबराजुल रियाज के नाम से अकड़ प्रोजेक्ट गिनी ने अची रही बहरिया टाउन में, अकड़ो तीजो प्रोजेक्ट भी अलहमदिल्ला सुरजानी टाउन में गिनी ने अची रही हूँ। तो ये अकड़ो सारो एक्सपीरियंस है ने इतने टाइम से मार्केट में कम करी 33 के हवाले से थोड़ा सा बताया जाए कि मारो होते जो ना सफ़ेद पोश या लिमिटेड इनकम रखना हमारा वो भी उतने डाइवर्ट थी रहे हैं उतने बुक कर रही है बिल्कुल तो जो फ्यूचर के बारे में तो जो लो कैटेगरी है वो भी उतने अफोर्ड कर सके कि आगे वो भी अच्छा निकले उनको स्कीम 33 जी पोजीशन आज की तारीख में एड़ी है कि किक एरिया एरिया इन जो के स्कीम 33 जी हद से निकली हुई है, लेकिन अजी भी घनी जगह एड़ी हैं जेडा जो सफेद पोश लोग इनने वो चाइन था कि यार ऐसा होते जब बजट में कोई चीज़ गिनी गुनू था लो इनकम वाला वो हजी भी गिनी सकन था, ने घना प्रोजेक्ट्स एरा इन जो के लो बजट वाला इन जिनमें आसान इंस्टॉलमेंट थे जो ना वो बुकिंग करी सकते। ये भी बता दी जा चुके हैं स्कीम 33 जो जिक्र करी है तो ये बता दीजिए कि अखबार में अक्सर अच्छे तो कि भाई हर सोसाइटी में अगर गिनना था गवर्नमेंट इन जो जिम्मेदार ने तो उतनी घनी सोसाइटी बने हुई है ना स्कीम में पुते ही प्लॉटिंग करी जाए जो कि गवर्नमेंट के नज़दीक थोड़ो अथॉरिटिक ने तो इनसे लगे ने क्रो आम मारू के नारा भाई के खबर पे कि जो सोसाइटी है वो सही है, बोले कुछ सोसाइटी में स्टे भी लगी हुई तो मसाइल भी थी था तो इन सिलसिले में कोई आम मारू ले आसान कम ये है कि कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं उन्हें जो अप्रूवल्स हों थी वो अगर आम मारू अप्रूवल्स अगर पुते जी नारी गिनो बिल्डर से गिनी ने तो उनकी बदे जो फिक्र आए कि यार को अगिया विनी ने प्रॉब्लम ना अची विन तो बदे प्रॉब्लम ही जिनका हल थी विन सिविक सेंटर ही स्कीम दिन दिन के नारो तो टोटल SBC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट सिविक सेंटर में है सिविक सेंटर में तो उन्हीं ने अगर कोई सोसाइटी बारे मालूम करना चाहे तो हाने सोसाइटी रजिस्टर्ड बिल्कुल बिल्कुल आसानी से मालूम थी हाने घनी चीज तो ऑनलाइन थी वे ना घनी चीज ऑनलाइन भी चेक कर सको। अच्छा जी बहुत सारी गाल करिया उस्मान भाई के आई फ्रॉड से बचे लगे ने हाने तो वो आसान थी वो इंटरनेट के जरिए चेक करी सको था ताकि आई के आई जिंदगी जमा पूंजी जो है ना वो कोई गलत मारू हथ में ना लगी उन्हें वो हमेशा लिखे हो तो कि मुश्तरी होशियार बाश जो खरीदार है वो हमेशा पुते आपके चौकन्नो रखे ने सारे बिल्डर के साथ काम करे जाने बता रहे कि इन्हें जो पर कोई भी डॉक्टर वटे भी ना मुझे मोहम्मद अली सोहरवर्दी से इन हवाले से गाल थी भी तो उनके ये दर्ज करूँ कि जो भी
डॉक्टर वटे वेंदा त पहिरियों नाने खे केतिरे मरीज खे सही करी आहे जीअं रिपोर्टेशन करूं त जॾहिं 11 बिल्डर्स ॻाल्हि करनि था की 11, 12, 15 जो बि हिन जा आहिनि अहिड़ा ॿिया जेतिरा बिल्डर आहिनि हिन जो रेफरेंस ज़रूरु मालूम करो की हिन पोते प्रोजेक्ट खे कहिड़ो डिलीवर कयो यकीन माशा हिन जो हिकिड़ो सारो नाम आहे विन हिन खे जॉइन करणा त इनशा ताला उमेदु आहे की कंहिंखे हिनसे फ़ाइदो पुजणो हाणे थोरो सो क्लारा इंटरनेशनल स्कूल जे हवाले सां थोरी सी ॻाल्हि करणा आहे इन जो थोरो सो इंट्रोडक्शन ॾिजो क्लारा इंटरनेशनल स्कूल बेसिकली जॾहिं स्टार्ट करिया हुअसि त कोविड से पहले स्टार्ट करिया हुअसि ने कोविड में जिन तरीक़े जा हालात पैदा थी विया ने स्कूल त खुली ज न रहिया हुआ त उन वक़्त में बि जो है न असां कोशिशि करे रहिया हुआसीं के लॉकडाउन में बि जो न स्कूल असां स्टार्ट करूं ने इन में घणी हद तक कामयाब बि थी वियासीं लेकिन कुदरती अल्लाह पाक अहिड़ो रस्तो निकारे ॾिनी आहे के जॾहिं स्कूल न हली रहियो हो त असां जो स्पेशल चाइल्ड हूं त उन खे गिनियासीं अच्छा यानी अनएक्सपेक्टेडली असां उन खे गिनियासीं ने उन्हें के गिनन के बाद ये रियलाइज़ थियो कि यार इन्हें के बहुत ज़रूरत है हाँ इनमें तो कुछ नहीं बोले कि अगर नॉर्मल स्कूल जो स्पेशल चाइल्ड जो स्कूल हूँ था उड़ा फीस इतनी वधा रहे हुई थी कि आम माड़ू उनके अफोर्ड न थो करी सके ठीक है ने बीजी गाल इनमें अकड़ प्रॉब्लम ये भी अचे तो कि हर स्कूल उन्हें के गिने भी न थो आम बच्चे के साथ नॉर्मल बच्चे के साथ वेराई न था सकन ठीक है वो थोड़ा सो अवॉइड करन था तो असाजी कोशिश हुई थी कि असा नॉमिनल फीस में उन बच्चे के गिनूँ जो नॉर्मल बच्चे की फीस हुई थी ने इन जे बाद उन्हें के जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जे साथ वेराए ने उन्हें जी थेरेपी भी करूँ ने उन्हें के उतनू वेनू सिखायूँ तो उनसे इन्हें के जो कॉन्फिडेंस डेवलप थिए तो उनको वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो कम असा करी रही हूँ अग्या अचन वाले वक्त में बदे के करनो खपनो ने करावाई भी तो उनसे वो बेनिफिट थीनो यानी पांजी जो जनरेशन है जो बोली नहीं सके उनकी थेरेपी की ज़रूरत है जो सुनी नहीं सके तो उनके थेरेपी की ज़रूरत है अगर वो बोलनू चालू करी दी नहीं तो इनका घना कम आसान थी वन घना कम आसान थी वन ये असल चीज़ है कि कन जो अगर समाज के लिए अगर समाज तो कर सको तो हालांकि जबान है जो लेकिन बोली नहीं थी तो समाज के हवाले से हाँ अकड़ो स्टूडेंट आ गयो चार डी पहले जी आऊँ गाल करा तो वो बच्ची भी नूअर जी वो नूअर जी बच्ची ओछो यानी अड़ो कि उनकी समाज वो ओछी हुई लेकिन 20-25% उनकी समाज एड से उनको कम थी सकन हुआ एयरिंग एड जो अचन था लेकिन माँ पे तवज्जो ना डीनी तो वो नूअर सुधी बोली ना रही तो उनकी अगर एयरिंग एड लगाई दी ना उनकी थेरेपी करना तो बोली सकनी वरना अग्या भी नहीं उनकी वधारे तकलीफ थी करो समझो था कि इंगरो जो इन किस्म जो माजूर हैं खास कर समाज के हवाले से जिनके लिए कर घनी हद तक आसानी है अगर आलो लगाई ना तो इनके लिए करें सुनो आसान थी तो लेकिन ये बदे चीज़ इतनी महंगी कि हर बच्चों तो गरीब मारू करो कमाइन उन्हें करो नहीं के दिनों पची उनकी मेंटेनेंस इनकी भी एक मुश्किल कम है तो आई जेले के ने कोई अड़ा चैरिटी वाला कोई अग्या मारू अची रहा जो आई चीज रहा उनके भाई या आई पोते कि आई समाज जहाँ आला डी जाए या कोई हेल्प आउट करी घना मारू अड़ा अचन था कि जो है ना जो असा जे साथ जुड़ेला भी है जो चुन था कि यार अगर कोई अगर जेन्युइन नीडी आए तो असा के बता रहो असा उनके जो है ना उनके साथ कोऑपरेट करी सकूँ था किक लेवल तक असा पोते भी पर्सनली उनके साथ उनके साथ कोऑपरेट करूँ था ने जिडा सुधी एड जी एयरिंग एड जी गाल रही था हाँ एयरिंग एड इतना इकोनॉमिकल थी वह कि हर बजट में आई के मेरी विनन था अच्छा। बस इंटरेस्ट लेवल जी गाल हुई थी अवेयरनेस भी होनी अवेयरनेस होनी खपे कि यार अगर आई के अवेयरनेस आए तो आई के वो लो यानी सस्ते वाला एड भी मेरी विनना जिनसे आई जो कम थी विनो इम्प्लांट के हवाले से जो ये आजकल कॉपलियर के हवाले से में ई भी करें था या हवाले से जाने बिल्कुल समात थी नहीं इतने मतलब पैदाइशी ना या तो उनमें इम्प्लांट वगैरह भी जब हाल पाकिस्तान में शुरू थी हुए तो उन हवाले से भी कोई कम थी हुए इम्प्लांट भी मुझे थोड़े टाइम पहले अकड़े डॉक्टर से गाल थी भी तो इम्प्लांट भी इड़ा थी रही ने अड़ो आए कि हाँ बिल्कुल 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 एक्सपेंसिव काफ़ी लेकिन वो एक्सपेंसिव है लेकिन इंग्री जो रिजल्ट वो अदारे इन जो सामने ना आए वो यानी इन जो रिजल्ट सामने दुनिया भर में तो रिजल्ट अच्छी लगे पाकिस्तान में इन चीज़ों को तो इनिशियल बेसिस जो इनिशियल बेसिस थोड़ा सो दानिश में काफ़ी वजह से खामोश बैठा है समाज करिए पागे हैं समाज जिस गाल थी है दानिश भाई करो छू ना थोड़ा सो पोते रियल स्टेट सेक्टर जे हवाले से भी असांखे बता रहो कोई नवे अचण वारे लाइ गाइडलाइन ॾियो जो इन फील्ड में अचानक चाहें तो जो नौजवान है कि नड़ी दें जो वड़ी उम्र जो मारू भी नौकरी नहीं करी तो वो भी इन फील्ड में अचानक चाहें तो करो चुना इन हवाले से रियल स्टेट के हवाले से जो आई चीज़ें जो
अचन वाली जनरेशन इनके ज्वाइन करनी चाहिए इन फील्ड के अचन चाहिए दिए वो लोग जो चुड़ियों के वही उम्र जाए रिटायर थी वे तो ये बोझ अलहमदुल्ला सारी फील्ड है इनमें बदे से वारो अकड़ो जो प्लस पॉइंट है जहर पाँच रियल इस्टेट भी है कंस्ट्रक्शन भी है तो वो बूथ पाँजे वेट है मतलब नहीं वो अकड़ो गठबंधन है ना कि स्टेट एजेंट ने बिल्डर वो जो गठबंधन उन्होंने तो जाहिर है एंड यूजर तक एंड यूजर तक उनकी जो है उनके चीज़ मिलनी इनमें अकड़ो बदे से सारो प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई रिटायर है कोई वही उम्र जो माड़ू है अगर फिजिकली भी थोड़ा घणो भी एक्टिव है तो बहुत सारे तरीके से बगैर इन्वेस्टमेंट जे स्टेट एजेंट बनी सके तो घनी बदे शहर में स्टेट एजेंसियों कोई भी जगह पोते जी जो है लिमिटेड टाइम पीरियड से ड्यूटी डी स्टेट एजेंट बहुत सारो तरीकेकार यो तो कहीं जिन ऑफिस से वेह था ने कोई भी जगह अगर इनकी सेटिंग हुई थी तो इनकी पी आर के थ्रू कोई भी माड़ू अगर फ्लैट गिने तो तक खबर है कि कमीशन फिक्स हुई थी कि वो मिलनी स्टेट एजेंट के तो वो कमीशन बहुत लोगों में डिवाइड थी वे थी जिनकी पी आर के थ्रू क्लाइंट आ ने बीजो जिन जो ऑफिस है जो स्टेट एजेंट ने बहुत सारी इनकम है हाँ अज की तारीख में अगर नारल ले वनो तो इन वक्त अकड़ी एवरेज सैलरी 75,000 रुपया है ने शहर में 60-70 लाख रुपये से ओछो फ्लैट केड़ा भी ना तो अगर माड़ू महीने जो अकड़ो फ्लैट भी कोई के वेची दिए ये वो मिनिमम गाल करी दियो ने अगर अकड़े फ्लैट वेचन जो मतलब थी कि 60-70 लाख जो फ्लैट है तो 60-70 हज़ार रुपया कमीशन मिली वी कमीशन मिली थी वो जगह से परचेज करने वाले सेलर से बायर से बोई से तो माड़ू जी ऑलमोस्ट इनकम आई समझी नो कि डबल थी थोड़ा सो अगर इस्तेकामत के साथ कम करी ने बिल्कुल सजी नौकरी करी ने अगर 3 लाख रुपया साल जा कमाए तो प्रोजेक्ट अची रो है बहरिया टाउन वो भी हाईवे वो जो अलहमदुल्ला रनिंग पोजिशन में इनमें माशाल्लाह 650 फ्लैट इन पाँचा जिनमें पाँच 4 ट्विन टावर गिनी अची रही हूँ तो ये भी बहुत सारे शेड्यूल के मथे आई अगर कोई नाड़ी आएंगे नो कमीशन बेसिस पे काम करूं ताई से राप्तो बिल्कुल असवट इंगडी स्कीम तेंतरी है समझी कि नो के अच्छा खासा एजेंट इन जो कम करी रहे हैं पोते जे क्लाइंट के विजिट करवाइन तासा उन्हें के अकरो सारो मार्जिन दी रहे हो कमीशन जो कि उन्हें जे ब्याह ते कोई क्लाइंट अच्छे तो जो है ना उनमें कमीशन भी ऐसा जो है ना अर्ली मैच्योर करी रहे हो इसलिए ऐसा जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट 4.5 वर्ष इंस्टॉलमेंट जे मथे जाहिर है उनके 54 बन से बात तब इन्हीं ने पा नहीं कमीशन दियो हवा के लिमिट है कितनी इंस्टॉलमेंट अच्छी भी इतनी इंस्टॉलमेंट अच्छी भी इतनी पेमेंट की लाइन जी अच्छी भी तो ऐसा है कि कमीशन आई जी मैच्योर करी दिनास बची वाट किन चीज ये है माशाल्लाह दानिश भाई नुसबान भाई मौजूद है इन पेमेंट टीवी आके अपना मौका फराम करे तो के आई के बता दो कि क्या क्या बिल्डर मेमने जा मौजूद है ने मेमन तो हमेशा ही चाहे दो कि भाई आए भी कमाए ऐसा भी कमाए आए कमाए ना तो ऐसा कमाए ना तो चो तो भाई भले आए कमाए दिल खोली ने कमाए तो आए जरूरी नहीं से रब्ता करो दानिश भाई से करो हुस्बान तालू मौजूद है इन्हें से करो जो है डायरेक्टर अल रियाज ग्रुप ऑफ कंपनी जाते इन्हें से रब्ता करो घड़ी जगह तय मतलब असा जो मकसद यकीन करो रमज़ान के पैर में ही जाए कि भाई अगर आए चो था कि महंगाई बधी हुई है महंगाई ना रुकी सको बदनी लेकिन अँ तोड़ जरूर करी चुके अजकल ना एसी लगे हूँ तो गर्मी तो अच्छी नहीं अँ एसी लगाना कोई ना कोई जो आए सदे बाप करो था तो ये इन्हें से राबतो करो ये भी है ना भी घना बिल्डर है ना इंशाल्लाह असा रमजान ट्रांसमिशन में ना तो घना बिल्डर अच्छा ये जो ऑफर करन था कि असा अचो तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारा बल्कि असा वट घनी इन्वेंट्री वही मतलब ये है कि अगर कोई इन प्रोग्राम के तवसुस से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो असा जो ऑफिस भी मेन शहर के डाउन टाउन एरिया में है शरफाबाद से जो कि बिल्कुल बादराबाद शरफाबाद आएंगे खबर है मिड है इन वक्त शहर जो ना तो बिल्कुल कोई ज्वाइन करना चाहे तो असा वे हड़ाएँ कि चुम अकड़े प्रोजेक्ट में 650 फ्लैट तीन इनके अलावा बिया प्रोजेक्ट इन बी चीज़ हुई तो कोई ज्वाइन करे तो अगर इन प्रोग्राम के तवसुस से पाँच कोई मेमर आए अली गोडिल जो नाम गिनी ने मेमन टीवी जो कोई नाम गिनी न छू तो परसेंटेज स्पेशल नहीं डिस्काउंट दिनों असा क्या दियो ना दियो वो अलग गल है लेकिन एंटरटेनमेंट बिल्कुल मंदी गिनी इंशाल्लाह ताला की न की जरूर रिकॉर्ड करने तो खैर अपनी मिजाज की गाल हो थी ना ना जरूर इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करना एसोसिएट्स आइंजे ले अली भाई ले ने आइंजे चैनल ले जो चुना जिन तरीके से चुना इंशाल्लाह फुल कोऑपरेट हमेशा वेलकम है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इन्हें के बरकत होता फरमाए अकड़ो पा वक्फो के नुते इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिलियो सामान इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिलियो सामान रब जी ने मन आए रमजान रब जी ने मन आए रमजान रब जी ने मन आए रमजान
बेहतरीन लोकेशन पर आपके लिए अपना घर बनाना अब ख्वाब नहीं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का मंजूर शुदा बाएतमाद और सबसे बड़ा नाम YS Associates आपको दे रहा है शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट, 3 और 4 बेड्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट के चारों अतराफ कम्युनिटी सर्विसेज पहले से मौजूद, बहरिया टाउन कराची क्लब, डे एंड नाइट जू, मस्जिद, राइमा डांसिंग फाउंटेन, मयारी कंस्ट्रक्शन और बरवक्त मंसूबे की तकमील हमारी तरजीह है। YS Associates, घर का सुकून, दिल का सुकून। नाज़िल आए कुरान बख्शिश जो मेरी ओ सामान, इम्मे नाज़िल आए कुरान बख्शिश जो मेरी ओ सामान, रमजी ने मन आए रमजान, रमजी ने मन आए रमजान, रमजी ने मन आए रमजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या मोहम्मद अनीस बाला कना प्रोग्राम आई नारी रहो, रब जी नेमत आए रमज़ान जो दी मेमन टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है। डायरेक्टर अल रियाज ग्रुप ऑफ कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव इन अल रियाज बिल्डर ने तालू एसोसिएट जब पाए साथ मौजूद हैं दानिश तालू ने हुस्बान तालू, साथ में मोहम्मद अली सौरवर्दी पांगे कंपनी डी जैन जो पोते खुशगुल अंदाज में कलाम भी पांगे सुनाएना पाने इन इन सेगमेंट में थोड़ा सो जिते बा बिजनेस की गाल करी है, जिते बा स्कूल की गाल करी है, उते थोड़ा सो मक्कतुल मुकर्रमा ने मदीनतुल मुनव्वरा की याद ताज़ा करना है। जी दानिश भाई हुस्बान भाई, जो पहला स्टार्ट थे, जो पहला गाल करना चाहे मक्का मदीना जी कोई गाल असा साथ जो सफ़र है उते जी को याद ताज़ा को वाक्य असा साथ ताज़ा करी दियो। बस मक्का ने मदीना जी तो याद अड़ी है कि उन तो कोई भी गाल करो तो जाहिर है बस याद ही याद आए ने, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पाँ बधे के अल्लाह ताला हर वर हमेशा हज जी सादत भी नसीब करे ने, उम्र जी सादत भी नसीब करे ने, जो लोग नारी दिया इन उन्हें की भी उनकी सादत नसीब करे ने, मैं जैसा जे चैनल के भी हर रमजान में के जो है ना उड़ा एतकाफ जी भी सादत नसीब करे ने, पूरा त्रीज त्री रोजा उड़ा खुला नाम बड़ो यूनिक मुझे बहुत सारा लगे मुझे नाम यूनिक भी है ना, थोड़ा सो जो है ना मानवे की याद भी जलाली तरह ना ना जलाली रहमान आयत नंबर 5 में अशमसु वल कमरु बि हुस्बान, हाय 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 सुभान अल्लाह, तो कोई यही हाँ याद रही जुनू वैसे भी नाम यूनिक है तो याद रही उन्होंने आए मुस्कराए भी रहे कुछ मदीने पाक जब मक्के पाक जब वाले से कह दिया उते हाजरी या वाले से कोई कह दी उते समाओ तो करो माहौल वे तो थे जो माशाल्लाह मक्के मदीने जी गाल तेड़ी है कि उड़ा जितरो जिक्र करो कम है, हां जड़े याद करो ओछो है, हां जड़े नारूता जड़े दिल में छे तो बसते तो दिल छे तो के बार बार रोड़ी ने होते है बेशक। लास्ट मोमेंट इन पहला दानिश तालू भाई से हम रिक्वेस्ट करने के कुछ कोई मैसेज देना चाहे तो कैमरा जो सामने लगे लो है ने अली गोडिल दी मेमन टीवी के बारे में व्हाट्सएप स्टोरी में नाडिया उन्होंने केरो सेटअप है तो करो चुना इन हवाले से मैसेज तो ये दिन है कि जाहिर प्रोग्राम जो शुरुआत में चुमो उसके बदले से पहले तो बहुत शुक्रिया ए जी टीम जो अली गोडिल साहब जो ने असा खैर फर्स्ट टाइम दी मेमन टीवी आई आयु ने असा जो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रो है ए जी सजी टीम के साथ ए चैनल के साथ अली गोडिल साहब के साथ ने बहुत खुशी थी थी कि पांजो मेमन कम्युनिटी जो चैनल इतरो ग्रो करी रही है नहीं चैनल इतरो मेहनत के बाद अली गोडिल साहब जी मेहनत इन टीम जी मेहनत के साथ साथ इतरे नीचे जे लेवल से ग्रो करी ने एडा तक पुगियो है कि मतलब इनके जडे भी नारू तो बेहतिया खुशी थी ने बेहताशा दुआयूं हैं कि ये चैनल पुते जे हर जायज मकसद में हमेशा कामयाब रही है। आमीन। उस्मान भाई आई करो अली मेमन अली गोडिल इनकी जितनी तारीफ करूं कम है स्टूडियो माशाल्लाह बेहतरीन है, ठीक है मेमन टीवी अली भाई समझी गो अंग्रेजों असा जी जान थी गई, ठीक है इतनी मेहनत करी रही है ने अकड़ो सारो पॉजिटिव रिजल्ट दी रही है ने मेमन जे नाम से जो ही पोते जे चैनल के चलाई हलाई रही है यानी अकड़ो प्रमोट करी रही है मेमने के वो जबरदस्त काम कर रही है अल्लाह पाक इन्हें खूब कामयाब करे। बहुत शुक्रिया दानिश भाई हुस्बान भाई मोहित तशरीफ के लिए बिल्कुल सही गाल कर दिया कि अली भाई जो हमेशा ईद गाल हुई थी कि अकेलों की भी नहीं टीम है ईद फर्क हो तो कि अको लीडर जो कि लीडर हमेशा
क्रेडिट दे तो बेगे जो लीडर ना तो वो एक क्रेडिट गिने तो ताली भाई में माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें के और बरकत तो नसीब फरमाए ने हिम्मत अता फरमाए इस्तकामत अता फरमाए ने सेहत अता फरमाए हाल में बीमार थी या पते के टेंशन थी हुई थी नो करो रमजान ट्रांसमिशन भी है बदे के अल्लाह ताला ने के हिम्मत देने वापिस अच्छी हुआ ने सेहत के साथ जज्बे के साथ आवा वरना ही डर हो कि शायद थोड़ा अल्लाह ना करे कि इन्हें के बोचाड़ी ब्याह निकाली हुई डॉक्टर भी चाहो कि हाँ एनर्जेटिक हुआ पहले जड़त थी आए वापस होने पर कमें लगी हुई तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने के और हिम्मत दे ने पॉजिटिव कम थी रही धीमे में टीवी पॉजिटिव कम कर रही है पॉजिटिव पैगाम दी रही है मेमरी जबान जो पैगाम दी रही है बदे के बता रही है जितना मेहमान अचन था 99.9% मेमरी जबान में गाल करन था तो जो जो बच्चा नाड़ी रहे जो नौजवान नाड़ी रहे बाजों का शर्माइन था गया मेमरी जबान मेमरी जबान जहाँ बच्चे सपूत है जो बहुत वा वा प्रोजेक्ट कोई पिंजा प्रोजेक्ट करी रहे कोई सो प्रोजेक्ट करी रहे मारू सोचन था ये करी के नंदा ये मेमण है ये मेमरी जबान बोलन था फखर करो इन गाल जमाते अल्लाह जो शुक्र करो न पछी फखर करो तो पाए साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली सोहरवर्दी मोहम्मद अली सवाल आखाना की इजाज़त दीजिए मोहम्मद अली सोहरवर्दी जो कलाम शामिल करना है तो मोहम्मद अली भाई जो है ना सारो थे याद शुक्रिया जो तो कलाम पढ़ू था ये चुनता मुझे प्रैक्टिस पर ना जाहिर पाँ भी इन गाल के समझूता है लेकिन मोहम्मद अली भी पढ़ना आम भी पढ़ना बदे मिली में पढ़ना कम अज़ कम अल्लाह जो जिक्र तो करना साथ में मिली ने शामिल थी इंशाल्लाह के मेहमान टीवी जाए मेहमान बनना रहना इंशाल्लाह मुझे लगे ना कि ऐसा ड्यूटी लगा तो खड़ी आती लाइन जरूर याद के नेक्स्ट टाइम ऐसे ऐसा सुनना है कैरी मिजाज की गाल अल्लाह ताला बदे के नात को हर कोई हो तो एरो ने जो भी मुसलमान है कलमू पढ़े तो हमदी भी बयान करे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हो तो नात भी पढ़ी रहो तो हमदी बयान करे तो नात भी पढ़े तो एरो ने सिर्फ फर्क इतरो हो तो कोई घना जाना तरन्नुम में पड़ी नहीं था घना जाना तरन्नुम में नता पड़ी सकें ये अलग फ़र्क जरूर है तो पाए साथ मोहम्मद अली सोहरवर्दी मोहम्मद अली सबाला खाना की इजाज़त दियो प्रोग्राम रब जी नेमत है रमज़ान से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कलाम शामिल करूँगा मोहम्मद अली सोहरवर्दी Oh,
Oh,